आज के बजट के बारे में तो आप लोगों को पूरी जानकारी मिल गई है, बजट प्रस्तुत कर दिया गया है और इसमें माननीय उप मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया है और बहुत अच्छे ढंग से संक्षेप में वहां भाषण दिया विधानसभा में, और उसके बाद बजट के महत्वपूर्ण विषयों पर उन्होंने चर्चा भी कर दी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको मालूम है कि हम लोगों ने बजट में हर क्षेत्र के बारे में ख्याल रखा। एक तो मौलिक चीज़ आप समझिए कि जो योजनाएं पहले से चल रही हैं और खास करके जो सात निश्चय पिछली बार हमने शुरू किया था, उसमें जो चीज़ें जैसे कुछ जगहों पर सड़कों का निर्माण या हर घर नल का जल, उसका कुछ जगह पर काम जो रुका हुआ बचा है, उन सब चीज़ों के बारे में सारा प्रबंध कर दिया गया है। और ये इस बार का बजट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि ये पूरी कोशिश होगी कि एक साल के अंदर जितनी भी चीज़ें है पहले से चल रही हैं उस काम को पूरा कर दिया जाए। और इसके अलावा जो जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत जो काम हो रहा है उसको आगे निरंतर रूप से बढ़ाया जाएगा। और इसके अलावा हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने इस बात को पूरे तौर पर चर्चा कर दी है कि जो नया जो आत्मनिर्भर बिहार के लिए सात निश्चय दो की परिकल्पना की गई है उसके बारे में जो कुछ भी कैबिनेट ने पास किया, और जब कैबिनेट ने पास किया तो विभिन्न विभागों ने इसके लिए जो जरूरी योजनाएं हैं उस पर काम किया और बनाया है, और इस साल के बजट में प्रावधान किया गया है इस पर सारा काम हम लोगों का शुरू हो जाएगा नए वित्तीय वर्ष में 21-22 में। और पूरे तौर पर उन सब चीज़ों के लिए जो कुछ भी है, तो पहले की स्कीम, आगे की स्कीम, और आप जानते हैं एग्रीकल्चर के लिए जो ध्यान दिया जाता है उसके बारे में, सड़कों के बारे में, और सबसे बड़ी बात है कि आप देख लीजिए कि हेल्थ और एडुकेशन दोनों पर और ज़्यादा पैसा खर्च करने के बारे में निर्णय लिया गया है। तो सब लोगों को जो सुविधा मिलेगी उस सब चीज़ के लिए प्रावधान है। ऐसी परिस्थिति में भी, जबकि आप जानते हैं कि इस बार जो पिछले 11-12 महीने से जो कोरोना का दौर चला है तो उसका तो एक प्रभाव पड़ा ही है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद हम लोगों का मन है कि हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे। और कोरोना के दौर में भी जो लोगों को राहत पहुँचाने के लिए केंद्र का सहयोग तो मिला ही है, लेकिन राज्य सरकार ने भी जितने बड़े पैमाने पर राशि का व्यय किया है, 10,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा इस काम इस क्षेत्र में काम किया है। तो ये सब काम तो किए ही हम, लेकिन इसके आगे अगले साल के लिए और अच्छे ढंग से बिहार की प्रगति हो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और बजट में एक एक चीज़ का प्रावधान किया गया है, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो पूरे तौर पर आपको बता दिया है और हाउस में भी बताया है संक्षेप में ही, एक एक चीज़ के बारे में उन्होंने चर्चा कर दी है, और इसके अलावा आप लोगों के समक्ष भी इन लोगों ने बता दिया। तो हम लोगों को इस बात पर एकदम बिल्कुल, जिसको कहिए कि इसके प्रति हम लोगों का एकदम, जिसको कहिए कि डेडिकेशन है, हम लोग बिल्कुल इस बात को लेकर के वचनबद्ध ही नहीं है, हम उस पर अनुपालन करना चाहते हैं, उसको क्रियान्वित करना चाहते हैं। उसके लिए बजट में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। ऐसी परिस्थिति में, जबकि आप जान रहे हैं कि आर्थिक स्थिति पर पूरे दुनिया में, पूरे देश में सब पर असर पड़ा है, तो हम लोग उसके अलावा भी सब काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और करना चाहते हैं। सबका सहयोग मिलेगा, सब लोग मिल करके बिहार को आगे बढ़ाने में अपना रोजगार सृजन की बात भी कही गई है आने वाले 5 सालों में 20 लाख रोजगार सृजन की बात वो भी कहा है, जो आजकल तो लोग बोलते रहते हैं 19 लाख 19 लाख। हम लोगों का सात निश्चय दो जो आत्मनिर्भर बिहार के लिए देखा नहीं, उस पर लिखा हुआ है सरकारी और गैर सरकारी हर प्रकार से लोगों को प्रेरित करेंगे और 20 लाख से भी ज्यादा लोगों के लिए को रोजगार का अवसर मिले, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। देखिए वो तो बात नहीं समझते हैं, तो तीनों ना बनेगा साहब, आपको मेडिकल यूनिवर्सिटी बनेगा और जो हमारे जितने
इंस्टीट्यूशंस है आपको इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी बनेगा और उसके अलावा खेल के लिए भी एक विश्वविद्यालय बनाने की बात है। और चूंकि आप जानते हैं कि राजगीर में इतने बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, तो यही तय किया गया कि और कहीं किसी जगह जगह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं पर विश्वविद्यालय बनाएंगे। तो जान रहे आज का तय नहीं है, ये तो 10 साल पहले से तय है और उस पर काम होना जितने बड़े पैमाने पर शुरू हुआ स्टेडियम से लेकर के एक एक काम वहाँ पर किस तरह से लोगों के खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए काम हो रहा, इसलिए सोच करके ही सब लोगों ने विचार किया और कहा कि वहीं पर खेल के लिए विश्वविद्यालय बनाने की विश्वविद्यालय बनाना अच्छा होगा, बेहतर होगा, इसलिए किया गया। और बाकी हम लोग इंजीनियरिंग के लिए भी और मेडिकल के लिए भी यूनिवर्सिटी बनाएगी हम लोगों ने तय कर लिया। और आप जानते हैं कि इसके लिए हम लोगों ने आपस में देखना शुरू कर दिया है कि किसका कहाँ होगा, तो उसके लिए भी सब तैयारी चल रही है और जब वो अंतिम हो जाएगा कि कहाँ पर और क्या बनेगा तो उसके बारे में फिर बात इसको घोषणा की जाएगी, हम लोग बनाएंगे। बड़े बड़े जो मैचेस होते हैं मुख्यमंत्री जी, अन्य राज्यों में लगता है कि बिहार में भी स्पोर्ट्स एकेडमी बनने से वैसी प्रावधान होगा, काफ़ी अच्छा होगा। देखिए स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए तो आप जान रहे हैं हम लोग प्रारंभ से ही पूरी कोशिश करते हैं, उसके आगे लोगों को भी बढ़ावा देने के लिए हम लोग चाहते ही हैं कि नई पीढ़ी के लोगों को स्पोर्ट्स के प्रति, खेलकूद के प्रति भी आकर्षण होना चाहिए। सबको पढ़ना चाहिए, लेकिन सिर्फ पढ़ना ही काम नहीं, उसके अलावा खेलकूद के प्रति भी आकर्षण पैदा होता है तो उसका स्वभाव ही नहीं बेहतर बनेगा बल्कि उसका भविष्य भी और बेहतर बनेगा। तो पढ़ाई के साथ साथ इन सब चीज़ों के लिए कार्य किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर क्या कह रहे हैं पत्रकारों पर केस किया जा रहा है सर, बिहार बोर्ड के पेपर मामले को लेकर पत्रकारों को ही केस किया जा रहा है सोशल मीडिया पर सर? नहीं नहीं, ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब ये बात आई है तो हमने जरूर हमारे कार्यालय से ही ये पूछा गया है और उन लोगों को बताया गया है कि जो भी स्थिति इसके बारे में बताइए। लेकिन अभी आप जानते हैं कि हम 2 बजे के थोड़ा पहले यहाँ पर लौट करके आए हैं, तब हमको जानकारी मिली कि यह बात जो उन लोगों ने कहा सही नहीं, हमके पूरे तौर पर देख करके जांच करके आप ही लोग मीडिया के समक्ष इन सब चीज़ों को बता दीजिए। और जो पहले एक बात आई थी तो उसके बारे में जो बात आई थी तत्काल उस पर जाँच करना, कार्रवाई करना, और कहा गया है कि हर दृष्टिकोण से एक एक चीज़ पर सजग रहिए और ताकि इस तरह से कोई नहीं कर सके, तो ये सब बातों के बारे में कहा गया है, लेकिन इसके डिटेल के बारे में आपको वही लोग बता दें।